वैक्सीनेशन की शुरुआत के समय इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की कम भागीदारी को देखते हुए सरकार इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। हम अभी दिल्ली सरकार के अस्पताल आचार्य भिक्षु अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स की भागीदारी या संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था हो रही है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हेल्थ केयर वर्कर है, ये वैक्सीनेशन ऑफिसर वन है और ये वैक्सीनेशन के लिए अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आपको खुद के हाथों को सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद एंट्री होती है और यहाँ पे वो पूरा सिस्टम बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको जो बताना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यूज़िक की व्यवस्था है, जो लगातार इसे लेकर बातें सामने आ रही थी, शिकायतें सामने आ रही थी कि जो वेटिंग एरिया में लोग बैठते हैं उनमें एंग्जाइटी की समस्या हो जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की भ्रांतियाँ फैली कहीं ना कहीं उसका भी असर हुआ। और यहाँ पे स्लो म्यूज़िक चल रहा है, हम आपको सुनाना चाहेंगे ओम की ध्वनि, जो कहीं ना कहीं मन को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ओम की ध्वनि से पैदा हुई सकारात्मकता के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले वेरिफिकेशन का काम होता है और फिर हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं। यही वो वैक्सीन है जिसका लंबे समय से इंतजार था, लेकिन जब शुरुआत हुई तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की भागीदारी उस संख्या में सामने नहीं आई जिसकी उम्मीद थी, और फिर इसमें बढ़ोतरी के लिए तमाम कदम उठाए गए। जिस वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां फैली उसकी प्रक्रिया कितनी सहज है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वैक्सीन लेने वालों के मन में वैक्सीनेशन के बाद भी कोई शंका न रहे, इसकी भी यहां पूरी कोशिश हमें दिखी। आपको अगली वैक्सीन भी कोविशील्ड की लगेगी। अच्छा जी। आप आधे घंटे के लिए बाहर वेट करेंगे, वेटिंग ऑब्जर्वेशन एरिया में। इन बिटवीन आपको कोई प्रॉब्लम होगी हमारी टीम है, आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, घर जाने के बाद होगी तो नीचे आचार्य भिक्षु की इमरजेंसी में आएंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला वैक्सीन का डोज कब लगेगा ये आपको मैसेज से पता चलेगा, और अगले डोज लगने के 15 दिन बाद तक आपको इसी तरह से मास्क, हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अब आप आधे घंटे के लिए बाहर वेट करेंगे और अपने और साथियों को भी बताएंगे कि इस तरह से पेन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो लोग डर रहे हैं उनको भी समझाएंगे। सर, ये जो मोटिवेशन करने के लिए कि लोग एंजाइटी रिलीफ हो, ये हमारे MS सर जो BL चौधरी जी हैं उनका एक इनोवेटिव तरीका है। लोग आते हैं बहुत एंजाइटी में रहते हैं, उन्हें लगेगा कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी है और सब आगे ठीक होगा। वैक्सीन आई बहुत अच्छी बात है, और हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले उसका मौका मिला वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग लगवाएंगे तभी आगे चल के जब ये आम जनता के लिए आएगी तो जनता भी मोटिवेट होगी कि ये पूरी तरह से सेफ है। बिल्कुल, तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और इसके बाद जिन्हें वैक्सीन लगाई गई उन्हें ऑब्जर्वेशन एरिया में भेजा गया। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरिया की क्या व्यवस्था है। ये वो पूरा ऑब्जर्वेशन एरिया है, और जिन्हें वैक्सीन लगी वो भी हमारे सामने है यहाँ पे। उन्हें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आधे घंटे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस दौरान किसी को कोई समस्या अगर होती है उसे लेकर भी पूरी व्यवस्था है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही FI रूम है, पीने के पानी की भी व्यवस्था है, और यही FI रूम यानी किसी को कोई समस्या होती है एक तरह से उसके वैक्सीनेशन के बाद कोई रिएक्शन होता है तो उसे लेकर यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और इसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया का 30 मिनट समय गुजारने के बाद जो लोग बाहर जाते हैं उनके स्वागत की क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है हम आपको दिखाना चाहेंगे। अस्पताल के तमाम कर्मचारी वैक्सीन लेने वालों का सिर्फ तालियों से स्वागत ही नहीं कर रहे, इनकी तस्वीर भी ली जा रही है। और यह तमाम प्रक्रिया सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को वैक्सीन के प्रति उत्साहित किया जा सके। वैक्सीन लेने वाले लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं यह भी सुनिए। पूरी तरीके से सेफ है, बहुत अच्छे तरीके से लगाया भी जा रहा है, मैंने मुझे आज लगा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैंने आज काम भी किया है अपने OPD में। जी। तो ऐसा पे काम करते मैं ही काम करता हूँ, सभी रेसिडेंट हूँ मैं, मेरी OPD बगल में है, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल सेफ है, कोई पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट नहीं अभी तक महसूस हुआ है मुझे अभी फिलहाल, और बाकी लोगों ने जो लगाया है कैसा कुछ तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। इस पूरी व्यवस्था में स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबके अंदर एक हौसला है कि अब इससे लगने के बाद कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, और यही मकसद है कि हमारा कम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सभी के पास पहुँचे, और उसके माध्यम से एक मैसेज आए दिल्ली के माध्यम से कि ये वैक्सीन सेफ है और ये सबको लगवानी चाहिए। बिल्कुल, अस्पताल के MS भी हमारे साथ हैं। जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आपको लगता है कि शुरू के 2-3 दिनों में जो कम भागीदारी रही थी वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स की, इन व्यवस्थाओं से बढ़ रही है?
बिल्कुल, जो नंबर है टाइम के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है। शुरू में कुछ शंकाएं सभी को रहती है, लेकिन जो वैक्सीन है उसका एक ट्रायल हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे अभी हमारा 16 तारीख से जब से ड्राइव चला है तब से लेके अभी तक कोई भी एक भी पेशेंट या समझें कि केस ऐसा नहीं हुआ जिसको किसी तरह की एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हों। तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और ये सबको लगवाना, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको लगवाना ही है और लगा रहे हैं, आगे बढ़ के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी क्या कुछ संख्या रही इसकी और जो मतलब भागीदारी बढ़ रही है, अगर आप डाटा के जरिए हमें बताएं? ये डाटा मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें भागीदारी पहले दिन से काफ़ी बढ़ी है। पहले दिन हम लोग के पास टोटल हमारी डाटा आ गई है, पहले दिन 36 थे, उसके बाद 63 हुए, 50 हुए, आज अभी तक हमारे 40 के आसपास लग चुके हैं। अभी तक 40 लग चुके हैं और अभी और दिन भर अभी 6 बजे तक लगने हैं और काफ़ी केसेस बढ़ेंगे अभी जी। तो उम्मीद है जो 100 का लक्ष्य होता है वो आज पूरा हो पाएगा यहाँ पे इस अस्पताल में। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो हमने आपको दिखाई, और यहाँ पे जिस तरह से एक तरह से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोगों को तालियों के जरिए लोगों का स्वागत किया जा रहा है, उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है जो लोग वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं। म्यूजिक की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं एक तरह से भागीदारी बढ़ाने के लिए कोशिशें हैं। देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसका क्या कुछ सकारात्मक असर दिखता है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।